अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन फ्राई की रेसिपी। इस चिकन को मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ और बहुत कम सामान में तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट तो इतना मज़ेदार होता है कि जब आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे तो आपका बार बार बनाने का जी चाहेगा। तो चलिए फिर टाइम को ना ज़ाया करते हुए इसको बनाने के लिए चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सकें। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने यहाँ पर चिकन के लेग पीसेस लिए हैं, आप चाहें तो पूरी चिकन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसमें मसाला मिलाएं तो अच्छे से तमाम पीसेस में अंदर तक मिल सके। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, 4 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला पाउडर डाल रहे हैं। आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी टिक्का मसाला पाउडर ले सकते हैं। एक बड़े साइज का लेमन लिया है, उसको कट करके उसका जूस शामिल कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले मिलाए हैं वो चिकन में अच्छे से शामिल हो सके, इसके अंदर जज्ब हो सके। और अब 2 घंटे बाद हम इसको देखेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को बहुत तेज़ गर्म कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी हीट को मीडियम पे रखकर चिकन शामिल करेंगे। ये तमाम चिकन हमने इसमें डाल दी। अब हम इसे अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगे या मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इससे मुझे पता रहे, मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं। फिर मैं इसी तरीके से और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। ये चिकन फ्राई हो चुकी है, बाकी की पीसीज भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम चिकन का रायता तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप दही लिया है, उसको हमने अच्छे से फेंट लिया। अब इसमें 1/2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल कर रहे हैं। 2 से 3 जवे हमने लहसुन के लिए थे, उसको हमने दरदरा सा कूट लिया, वो शामिल कर लिया हमने इसमें। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर रहे हैं। 4 हमने हरी मिर्ची ली थी, उनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया, वो हमने शामिल कर ली इसमें। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। 1/2 चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यह हमारे चिकन का रायता तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कितने मज़ेदार से ये चिकन फ्राइड हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।